अभी आपको बताएं, पीटीआई पार्लियामानी पार्टी इजलास में गर्मा गर्मी हो गई। फवाद चौधरी की तरक्याती फंड्स की मुखालिफत, तमाम अरकान बोल पड़े। वजीर आजम ने अराकीन के तहफ्फुजात दूर करने के लिए उन्हें एहसास प्रोग्राम की उम्मीद दिला दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में अरकान ने एक बार फिर तरक्याती फंड्स का मुतालबा किया, लेकिन फवाद चौधरी ने इसकी मुखालफत कर दी, जिस पर तमाम अरकान बोल पड़े। पार्लियमानी अरकान के शिकवे, शिकायतें, बहस व तकरार ने इजलास में गर्मा गर्मी का माहौल पैदा कर दिया। फवाद चौधरी की मुखालफत पर पार्टी अरकान ने जवाब देते हुए कहा कि फवाद चौधरी साहब ने खुद तो कैनाल मंजूर करवा ली, हम वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे। जिस पर वजीर आजम ने अरकान से कहा कि एहसास प्रोग्राम शुरू होने पर तमाम अराकीन के तहफ्फुजात दूर हो जाएंगे, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फरहमी से गरीब आदमी को फायदा मिलेगा। इजलास में पार्लियमानी पार्टी का कहना था कि आर्मी चीफ की तकरीरी वजीर आजम का स्वाबदीदी इख्तियार होना चाहिए, उनके इख्तियार को पार्लियामेंट से मशरूत करना मुनासिब नहीं। पार्लियमानी पार्टी ने सर्विसेज एक्ट में तरामीम से मुतालिक तीनों बिल्स की मुत्तफिका मंजूरी दे दी।